हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। और जहां हमने प्रथम अध्याय सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, वहीं दूसरा अध्याय व्यवस्थापिका के भी मुख्य कार्यों का विवेचन हमने कल कर लिया था। आशा है कि आप लोग को व्यवस्थापिका क्या है, सरकार का किस रूप में एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है, इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि क्या है व्यवस्थापिका और किस रूप में ये कार्य करती है। इसे हम भलीभांति समझ चुके हैं, तो एक बार पुनः थोड़ा सा दोहरा देती हूँ कि सरकार, जिसे हम स्पष्ट रूप से मूर्त रूप से देखते हैं, जो राज्यों की इच्छा की अभिव्यक्ति की पूर्ति करती है, उसी सरकार का महत्वपूर्ण भाग होता है व्यवस्थापिका। सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं या तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उनमें से व्यवस्थापिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुख्य आधारों का, कार्यपालिका छोटे आधारों का और न्यायपालिका अंत का निर्माण करती है, ऐसा हमारे राजनेताओं द्वारा कहा गया है। तो राजनीति विज्ञान में व्यवस्थापिका, जैसे इंग्लिश में संसद और इंग्लिश में पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के नाम से जाना जाता है, तो यह संसद, पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका हमारे लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसकी विवेचना हम लोग कर रहे थे। तो कल हमने इसकी महत्वपूर्ण जो बातें थी वो पढ़ लिया था कि महत्वपूर्ण इसका कार्य है कानून निर्माण का, कि कानून निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका द्वारा ही पूर्ण किए जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि यदि संवैधानिक संशोधन करना है, तब भी व्यवस्थापिका द्वारा ही उसे संवैधानिक संशोधन किया जाता है। यदि हम व्यवस्थापिका के वित्त संबंधी और प्रशासन पर नियंत्रण संबंधी कार्यों को भी हम कल पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये राष्ट्रीय वित्त को क्या करती है, नियंत्रित करती है और प्रशासन को भी नियंत्रित करती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रशासनिक परामर्शदात्री और विचार विमर्शात्मक जो कार्य होते हैं वो भी व्यवस्थापिका द्वारा ही पूर्ण होते हैं। तो इसके कार्यों के क्रम में छह मुख्य बिंदु, छह मुख्य आधारों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं व्यवस्थापिका के कार्य को, छठे बिंदु से इसको शुरू करते हैं और ये छठा बिंदु है न्याय संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका तो कानून संबंधी कार्य करती है, ये न्याय संबंधी कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा कैसे पूर्ण किए जाते हैं, इसे अब हम पढ़ लेते हैं। तो व्यवस्थापिका से उच्च कार्यपालिका के पदाधिकारी, जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करते हैं, पर महाभियोग लगाने का कार्य, वह निर्णय करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। सांसदों पर या निजी व्यक्तियों पर का पर यदि अभियोग लगाया जाए, संसद की अवमानना करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना हो, या मौलिक अधिकारों का सही सही प्रारूप तैयार करना हो, ऐसे कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा ही पूर्ण होते हैं और ये सभी कार्य उसके न्याय संबंधी कार्यों में आते हैं। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो हमारे कार्यपालिका के मुख्य अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन पर यदि महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग क्या है उसे हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी केवल शब्द को इतना सा समझ लें कि उच्च पदाधिकारियों पर, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या जो भी हमारे मुख्य मुख्य अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उनकी पद मुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है और वो महाभियोग के आरोप लगने के बाद ही होती है। तो महाभियोग क्या होता है, अभियोग है, आरोप है,
और उस आरोप की जो पूरी कार्यविधि होती है, उस कार्यविधि की पूर्ण होने के बाद ही राष्ट्रपति उन पदाधिकारियों को पदमुक्त करता है। तो महाभियोग का अर्थ आरोप, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों पर आरोप लगाया जाता है, पर ये कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारी हैं, इसलिए इनके आरोप को महाभियोग कहा जाता है। अभियोग चलाने का यानी मुकदमा चलाने का इनके ऊपर इनका कार्य किया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि ये महाभियोग का जो निर्णय है वो व्यवस्थापिका द्वारा पूर्ण किया जाता है, या फिर निजी व्यक्ति हो, सांसद हो, कोई व्यक्ति लगातार व्यवस्थापिका के कार्यों की अवमानना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार भी व्यवस्थापिका का ही होता है। यदि कभी मौलिक अधिकारों में कहीं कोई गलत मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या गलत तरीके से कोई मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित करना भी व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र में ही वो सब कुछ आता है। तो इस प्रकार से इन कार्यों को सही सही ढंग से व्यवस्थित करके व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्यों को भी पूर्ण करती है, ये न्याय करती है उस समय कि ये कार्य सही ढंग से हो। यदि किसी पर आरोप लगाया जाता है तो वो महाभियोग सही होना चाहिए, यदि गलत होता है तो फिर वो व्यवस्थापिका की गलती पर किसी निर्दोष व्यक्ति को पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता और ना ही उसे दंडित किया जा सकता है। तो व्यवस्थापिका का यहाँ पर मुख्य भूमिका में वो रहती है और आरोप सिद्ध होने पर उस संबंधित अधिकारी को पदमुक्त कर दिया जाता है। अगला कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन का अर्थ आप लोग समझते हैं, निर्वाचन चुनाव के अंदर जो व्यक्ति जीतते हैं उन्हें किसी पद पर निर्वाचित किया जाता है, तो वही सामान्य भूमिका निर्वाचन संबंधी कार्यों की व्यवस्थापिका द्वारा ही पूर्ण होती है। संघीय व्यवस्थापिका व राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यह सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और निर्वाचन संबंधी कार्यों को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो हमें ज्ञात है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव किसके द्वारा होता है, जो संघीय परिषद होती है यानी व्यवस्थापिका के सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्य, इस दोनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही चुनाव ये व्यवस्थापिका के सदस्य ही मिलकर करते हैं। तो इन व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा कहीं चूक ना हो जाए, कहीं ऐसा व्यक्ति हमारा सर्वोच्च पदाधिकारी न बन बैठे जो उस योग्य ना हो, इसलिए निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यों में जितने भी सांसद होते हैं, जितने भी मुख्य मुख्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं और जो भी कार्य प्रधानमंत्री करता है, उन सब में भी व्यवस्थापिका की भूमिका बहुत ही निर्णायक भूमिका होती है। तो ये सारे चाहे निर्वाचन से संबंधित कार्य हो या अन्य कार्य हो, तो संवैधानिक कार्यों में निर्वाचन संबंधी कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और ये व्यवस्थापिका द्वारा ही पूर्ण होता है। अगला है समितियों व आयोगों की नियुक्ति। समितियां, बहुत सारी समितियां हैं और बहुत सारे आयोग हैं, उन सब की नियुक्ति भी व्यवस्थापिका द्वारा ही की जाती है। किस रूप में की जाती है, पढ़ते हैं कि व्यवस्थापिका विशेष कार्यों की जांच हेतु समितियों व आयोगों का निर्माण करती है, जैसे वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग, नीति आयोग आदि। और यदि विशेष जांच के लिए कोई समितियों का निर्माण करना हो तो वे भी
व्यवस्थापिका के माध्यम से ही निर्मित समितियां होती हैं और ये समितियां व्यवस्थापिका इस तरीके से समितियों का निर्माण करके व्यवस्थापिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखता है कि जो मुख्य मुख्य आयोग है, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, महिला आयोग है, नीति आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ऐसे बहुत सारे आयोग जो है उन सबकी नियुक्तियां जो होती हैं, उन सबके जो कार्य होते हैं वो व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्योंकि इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो व्यवस्थापिका का भी प्रमुख होता है। दूसरी बात, समितियों की बात आती है। बहुत सारी विशेष जांच समितियों का निर्माण व्यवस्थापिका करवाती है। कौन कौन सी जांच समितियां? जैसे जब कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई शासक कार्यपालिका का मुख्य अधिकारी अपने कार्यों को या अपनी शक्तियों को सही ढंग से उसका प्रयोग नहीं करता, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है या दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है या भ्रष्टाचार का कार्य करता है या कोई ऐसी गुप्त जानकारी जो हमारे राष्ट्र को अहित, राष्ट्र का अहित कर रही हो, या बहुत सारे बड़े बड़े सौदे जो हमारे राष्ट्र के द्वारा किए जा रहे हैं और उनमें ये जो बड़े बड़े कार्य अधिकारी हैं कार्यपालिका के, इनके द्वारा यदि कहीं शक्तियों का दुरुपयोग होता है या गलत प्रकार से ये अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तब विशेष समितियों का निर्माण करके उनकी पूर्ण जांच करवाई जाती है और ये जांच व्यवस्थापिका द्वारा ही करवाई जाती है। तो विशेष समितियों का निर्माण भी विशेष जांच के लिए करवाई जाती है या कोई संधि समझौते होते हैं उनके लिए भी विशेष प्रकार की नियुक्तियां होती है, विशेष प्रकार के जांच आयोग होते हैं। तो ये सभी व्यवस्थापिका द्वारा ही पूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्थापिका क्या करती है, प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखती है कि बड़े बड़े अधिकारियों को जब वो अपने उसमें निश्चित कर लेती है तो फिर वो उस प्रकार से उसे रोका भी। अगला बिंदु है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका के कार्यों में हमें जो दिखाई देता है मुख्य रूप से कि वो किस रूप में जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। हम सभी को ज्ञात है कि व्यवस्थापिका में के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कार्य करते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि किस रूप में उसकी जन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, या यूं कहें कि जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो कष्ट है, वो उन प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकसभा में पहुंच जाते हैं और वहीं से उस विधेयक की शुरुआत हो जाती है जिस पे जनता स्वयं कानून बनाने का कार्यभार अपने प्रतिनिधियों के ऊपर सौंपती है। तो जब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका में तुरंत ही हमारे मन में ये बात विचार आ जाता है कि ये जनता के विशेष भावनाओं की अभिव्यक्ति का एकमात्र स्थान है और वहीं से व्यवस्थापिका के कार्यों की शुरुआत होती है। कि लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहां जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित कराते हैं और शासन को जनहितकारी कार्यों को रोकने के लिए प्रेरित करते हैं कि शासन अधिक से अधिक जनहितकारी कार्य करे और इसी के लिए वे उसको प्रेरित करते हैं। इसीलिए व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जाता है कि जब जनता के प्रतिनिधि जनता के कष्टों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हैं और उस आकर्षित कराने के बाद जब उन पर कानून बन जाते हैं, वो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का ही एक रूप होता है और इसीलिए व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जा सकता है। तो जनता क्या करती है, जनता जब अपनी कष्टों का निवारण उन प्रतिनिधियों के माध्यम से
ढूंढती है और सरकार उस पे कई सारे जनहित का लोक कल्याणकारी कार्य या जनहितकारी कार्य करती है। तो ऐसे समय में जो उन प्रतिनिधियों की छवि है वो समाज में और भी बेहतर रूप में उभर कर आती है कि वो प्रतिनिधि अधिक प्रभावशाली अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं जो अपनी नीतियों का बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे प्रभावी ढंग से उसे प्रस्तुत करते हैं। अंतिम कार्य है चुनाव संबंधी कार्य। चुनावों के समय एक विशिष्ट प्रकार का माहौल होता है। हम सब ने अपनी आंखों के सामने चुनावों को होते हुए देखा है और चुनाव में आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्याशी घर घर जाके जनसंपर्क करते हैं और अपना वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब ये वोट बैंक जो वोट दिए जाते हैं उससे यदि व्यक्ति उम्मीदवार निकल कर आता है और व्यवस्थापिका में वो अपना स्थान बनाने में सफल हो जाता है तो जनता को लगता है मानो हमारा सपना सच होने जा रहा है, हमारा उम्मीदवार अब सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थात जो हमारे कष्ट है उसका निवारण तुरंत हो जाएगा। तो ये जो चुनाव संबंधी प्रक्रियाएं हैं इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल है, प्रचार प्रसार से लेकर आगे तक की जो निर्वाचन संबंधी कार्य होते हैं उन सब में व्यवस्थापिका का स्थान महत्वपूर्ण होता है और ये समस्त अपने जनता की इच्छा की भावनाओं की कद्र करते हैं और ये सत्ता में बैठकर हमेशा ही जनहितकारी कार्य करते हैं। जब जनता के प्रतिनिधि सत्ता में बैठकर जनहितकारी कार्य करते हैं तो जनता उनसे खुश रहती है तथा अगले चुनावों में भी उन्हें जिताने का प्रयास करती है। लेकिन यदि जनता सत्ताधारी दल से या उनके कार्य विधि से या उनकी कार्यशैली से नाखुश होते हैं तो वे ऐसे उम्मीदवारों को दोबारा जीतने का मौका नहीं देते। अतः सत्ताधारी दल व विरोधी दल दोनों ही चुनाव संबंधी कार्यवाही में सक्रिय योगदान देते हैं और समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही मध्यावधि चुनाव होने से मध्यावधि चुनाव करवाने से रोकने का प्रयास करते हैं। यदि जनता नाखुश होती है तो हो सकता है कि वो अपने उन प्रत्याशियों को पुनः बुला ले और मध्यावधि चुनाव करवा दे और यदि प्रत्याशी सरकार का हिस्सा बनने के बाद यदि महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो उनकी छवि निखर कर सामने आती है और जनता ऐसे उम्मीदवारों से खुश होती है और तुरंत उनकी प्रभाव को बनाए रखने के लिए यदि अगला चुनाव होता है तो उन्हीं प्रत्याशियों को पुनः जिताने का भी प्रयास करती है। तो जब जब जनता ने अपना सहयोग दिया है और जब जब प्रतिनिधियों ने भी जनता को अपना सहयोग दिया है तो व्यवस्थापिका की जो छवि है वो बेहतर रूप में स्पष्ट रूप से नजर आती है। तो इस तरीके से 10 पॉइंटों के माध्यम से हमने व्यवस्थापिका के कार्यों को पढ़ा है कि क्या है व्यवस्थापिका और किस रूप में ये कार्य करती है।